जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ एक आंटी मौजूद है जो इस वक्त चर्च से आ रही हैं। आइए इनसे सिक्योरिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन इनसे करते हैं। ठीक है, खुदावंद का शुक्र है। आप जैसे चर्च से आ रही हैं तो क्या आप यहाँ पे यहाँ की जो सिक्योरिटी है चर्चेज को लेके, आप उससे मुतमईन है? आप चर्च जाते हुए खुद को सिक्योर फील करते हैं? यस, हमारी जो ये दुनियावी सिक्योरिटी है इसके लिए भी हम खुश हैं, लेकिन हमारी जो हकीकी सिक्योरिटी है वो हमारा खुदावंद यीशु अलमसीह है। वो खुद आप हमारा तहफ्फुज़ है, हमारी हिफाजत करता है। हम आपसे भी इस बात के लिए खुश हैं कि आप लोग हमें मसीही कौम को तहफ्फुज़ दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। हम इसके लिए आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। वो बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यहाँ की क़ियादत है, यहाँ के यूहन्नाबाद की क़ियादत है, और जो उनसे उस सबसे आप मुतमईन हैं? हाँ जी, हम बहुत खुश और बहुत मुतमईन हैं। जी नाज़रीन, आइए किसी और से भी बात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक। आप इस वक्त चर्च से आ रही हैं? जी। तो चर्च से आप आ रहे हैं, आपके चर्च जाते हुए खुद को सिक्योर फील करते हैं? जैसे पिछले दिनों यूहन्नाबाद में क्राइस्ट चर्च में एक वाकया हुआ कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ कैथलिक चर्च में, तो क्या अब आपको चर्च जाते हुए सिक्योर फील होता है कि आप लोग सिक्योर हैं, वहाँ की सिक्योरिटी से आपको कोई मसला नहीं है? नहीं, ठीक है, सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन यहाँ की जो क़ियादत है यूहन्नाबाद की, उससे आप मुतमईन हैं? हाँ जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जिया है। आप क्या यूहन्नाबाद की सिक्योरिटी से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, जो चर्चेस के बाहर इन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है और आप चर्च जाते हुए अपने आप को सिक्योर फील करते हैं? हाँ जी, लेकिन फिर भी और ज़्यादा भी चाहिए सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत से ऐसे चर्चेज हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी नहीं है, कैमरास नहीं लगे हुए और हम आने जाने वाले लोगों को फोकस नहीं कर सकते हैं। बहुत कम सिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा ये है कि अपने चर्च के लोग सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, अंदर भी बाहर भी, खवातीन भी होती है, मर्द भी होते हैं, कि वो लोगों का ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट नहीं उन पर कर पाते, फिर भी उन्होंने अपने तौर पर भी वो जो सिक्योरिटी रखी हुई होती है, औरतें भी होती हैं और मर्द भी होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उन पर उन लोगों हमें वो लोग चाहिए जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें। अगर हम लोग खड़े नहीं भी हैं, वो लोग हैं, तो हमें ये अपने आप को बिल्कुल महफूज महसूस हो सके, हम बिल्कुल महफूज हैं। बहुत शुक्रिया एमटीवी का, और मैं जेवीपी चर्च से हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे चर्च के बाहर भी सिक्योरिटी हो और वहाँ पर भी कैमराज लगाए जाएँ। तो आपके चर्च के बाहर सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी है, मगर कैमराज लगाए जाएँ वहाँ पर। आपने अभी बताया कि कुछ चर्चेज ऐसे हैं जिनमें सिक्योरिटी नहीं है, आप उन चर्चेज के नाम बता सकते हो? नहीं, बेशक आप उसको विज़िट करें उनको, लेकिन यूहन्नाबाद के अंदर ही काफ़ी ऐसे चर्चेज़ हैं जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि अभी हमने काफ़ी चर्चेस में विज़िट किया और हमने देखा कि हर चर्च के बाहर, इवन यूहन्नाबाद के एंट्रेंस से लेकर आगे ऑलमोस्ट चर्चेस में सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। तो अभी जब आपने बोला कि कुछ चर्चेज़ में सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या आप उनका बता सकते हैं? बेशक हमारे चर्च भी है, लेकिन वहाँ पर भी सिक्योरिटी है, लेकिन और सिक्योरिटी दी जाए ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हो लोगों को, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा मसला भी होता है। लेकिन अभी तो शुक्र है खुदा का कि बहुत कम है, लोग तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, लेकिन ये है कि अगर जब हम अपने लोग खड़े करते हैं, उनकी ज़रूरत ना पड़े ताकि वो भी अंदर चर्च में खड़े होकर मैसेज को सुन सके, वो ये होता है कि अपना टाइम वहीं पर खड़े होकर वेस्ट कर देते हैं और वो कलाम नहीं सुन पाते, वो गीत इंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो वर्शिप नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बाहर खड़े होते हैं। तो ऐसा हो कि उनको ज़रूरत ना पड़े कि वो खुद सिक्योरिटी करें। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसे आपने इनकी बात को सुना कि यहाँ के लोग जो सिक्योरिटी इश्यूज़ में बाहर खड़े होते हैं, वो उसकी उनकी जगह पुलिस को होना चाहिए, और ये बात यकीनन हमारे जो सिक्योरिटी को अरेंज करते हैं उन तक भी गई होगी, यकीन करती हूँ कि वो इस बात पे गौर करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यूहन्नाबाद के एज ब्लॉक में खटक स्टोर पर मौजूद हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। हमें तकरीबन हो गया 15 साल हो गए हैं, पिछले 15 साल तकरीबन 2006 से हम आए हैं, यहाँ पे मुकीम हैं और माशाल्लाह कारोबार भी अच्छा चल रहा है और यहाँ के लोग भी काफ़ी प्यार करने वाले हैं, बहुत अमन सुकून से साथ रह रहे हैं हम, इनसे हमें कोई गिला नहीं है, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है हमें यहाँ पे रहने का, यानी कि अपने भाइयों की तरह ही हम रह रहे हैं जी, यही, यानी कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पर, और इसीलिए तो हम इतनी देर से यहाँ पे यानी कि कारोबार कर रहे हैं, 10-15 साल से हम हो गए हैं कि इसी स्टोर में काम कर रहे हैं, वक्त अच्छा गुजर रहा है तो इसीलिए हम इधर ही हैं काम कर रहे हैं। ये इस एरिया के काउंसलर हमारे आमिर कुकू भाई बहुत अच्छे हैं, कोई भी इशू हो तो हम उनको इनके बताते हैं और बहुत जल्द
एक्शन लेते हैं हमारे भाई आमिर को, सलाम उनको। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यूहानाबाद की जानी पान शॉप पे मौजूद हैं। इस शॉप से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी इश्यूज मसले देखने को मिले और कुछ ख़वातीन ने भी बताया कि यहाँ पे लड़के पान खाकर यहाँ पे मोस्टली खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला फेस करना पड़ा लोगों का। आइए इस पान की दुकान के मालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जानी। हमें यहाँ पे सुनने को मिला लोगों से कि हमने यहाँ पे लोगों सर्वे किया तो लोगों से सुनने को मिला यहाँ पान खाकर लड़के ग्रुप बना के खड़े होते हैं और मोस्टली यहाँ से गुजरने वाली औरतों उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आपकी ये दुकान है तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि यहाँ अगर आप पान सेल कर देते हैं तो यहाँ से लड़कों को क्लियर करें? क्यों नहीं क्लियर करते हैं, लेकिन ऐसा बोला औरतों ने। किसने? खवातीन ने, यहाँ के गुजरने वालों ने, यहाँ के रिहायशियों ने ऐसी बात बोली? मुझे तो कोई पता नहीं चला अभी तक, लेकिन खैर लोगों को ये मसला है आपसे, तो अगर ये लोगों को मसला है तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं तो कुछ नहीं बोल सकता इनके बारे में। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो, यहाँ से लड़के साइड पर है, अगर खरीदते भी हैं तो खरीद कर जाएं, यहाँ पे तो एटलीस्ट खड़े ना हो? ये क्लियर कर देते हम तो, इधर तो कोई भी नहीं लगा खड़ने देते हम। लेकिन लोगों ने एक मसला बताया, ठीक है, तो यकीनन आप इस मसले के बारे में कुछ तो कहना चाहेंगे। इनके बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं? फिर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से अगर पान सेल कर देते हैं तो फिर आप लोगों को बोले जाएं जाके खाएं, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली लड़कियाँ औरतें खवातीन को अगर ये मुश्किल होती है तो मेरा ख्याल है आपकी यहाँ दुकान होते हुए या आपका फ़र्ज़ है कि आप इस बात पे कोई हल निकालें। ज़रूर निकाल लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट कभी हमारा सर्वे होगा तो हम उस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस देखेंगे आपकी शॉप को लेकर। थैंक यू सो मच। श्री नासरीन, हमने लोगों से जो सुना कि यहाँ पर इस पान की दुकान को लेकर ख़वातीन को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को मसला फेस करना पड़ता है कि यहाँ पर लड़के मोस्टली ग्रुप बनाकर खड़े रहते हैं और गुजरने वाली औरतों को मुश्किल होती है, और इन्होंने बोला कि वो इस पर गौर करेंगे और हम भी यकीन करते हैं कि वो इस पर गौर करेंगे, लेकिन आइए अब किसी और से बात करते हैं। श्री नासरीन, हमारे साथ यूहानाबाद के एक और रिहायशी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं यूहानाबाद के मसाइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे सिस्टर जी शुक्रगुजार हूँ मैं MTTV वालों का कि जो इन्होंने हमारे लिए किया है, तो दूसरी बात पे मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यूहानाबाद के जो मसले मसाइल हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये लोग शराब वगैरह पीकर इधर यूहानाबाद में शोरगुल करते हैं, बच्चे बाज़ारों में खड़े रहते हैं, कोई काम वगैरह नहीं करते। दूसरे नंबर पे जो हमारे इस थाना नश्तर वाले जो पुलिस वाले हैं, वो यहाँ पर जितने भी लोग मनशियात फरोख्त करते हैं उनसे मंथनी लेते हैं और ख़ुद आकर इधर जो है नशा चीज़ें जो है वो बकाते हैं, और इधर मुलाजम आते हैं जो नशावर लोग चीज़ें बेचते हैं उनसे आकर पैसे लेकर जाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा ख़ास एक मसला है, ये हमारी जितनी भी ये घर हैं इनके ऊपर से तारें गुजर रही हैं, 11,000 KV जो है तारें गुजर रही हैं, 30/6/2015 से लेकर हम ये सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी हमने दरख्वास्तें दी हैं, जो दरख्वास्तें GM से लेकर हमने नीचे तक SDO तक करवाई हैं, लेकिन कोई भी हमारी इस बात में सुनाई नहीं हो रही। आखिरकार हमने कल ये फैसला किया है कि सारे बिल लेकर हम शेर अब्द अली पास जो फैसलाबाद का है बिजली का और पानी का वज़ीर है उसके पास हम जाएंगे और उसको ये कहेंगे, हो सकता है हमारी वो इस मिनट को इस दरख्वास्त को मंजूर कर ले। तो ये हमारे ख़ास मसले हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी इस पर तवज्जो दे और इस ख़ासकर पुलिस वालों को ये कहे कि ये लोग जो हैं, ये बच्चे जो हैं, ये नशा और चीज़ें जो हैं लेते हैं, और उनको मना करे कि मेहरबानी करके इन लोगों से ना पैसे लें और इन लोगों पर जो गलत काम करते हैं नशा बेचते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यूहानाबाद की जो क़यादत है यहाँ पे मौजूद है, माइनॉरिटीज लीडर्स जो हैं, माइनॉरिटी के यहाँ पे MP है, MNS काउंसलर मौजूद हैं, तो उनकी ये जो आपने इतने मसले मसाइल बताए, इस मसले मसाइल को देखते हुए उनकी कारकर्दगी के बारे में आपकी क्या राय है? चंद लोग जो हैं वो इस मसले को हैंडल करते हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, कुछ लोग हमारे काउंसलर भी हैं जो वो इस गलत काम में भी मुलव्वस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर खुद ही जाकर उनको पकड़वाते हैं और खुद ही छिड़ा कर लेके आते हैं।
ये हमारे काउंसलरों का भी हाल है और हमारी जो क्यादत है वो भी इसमें मुलव्वस है। एक हमारा काउंसलर है उसका नाम है आमिर कुकू। ये कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा जो थी मंशियात का मसला था तो उसकी मैं दाद देता हूँ कि उसने बहुत मेहनत की और हम भी थोड़े थोड़े उसके साथ थे, लेकिन ज़्यादा उसकी ये कार्रवाई है कि उसने ये सारा काम जो मंशियात का कब्रिस्तान से ख़त्म करवाया। मैं उसको दाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हमने यूहानाबाद के रहायशी से बात की, उन्होंने यूहानाबाद के मसाइल के बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ पर सड़कें ख़राब हैं और ये जो ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक वायर्स का इशू है इसको यूहानाबाद के क्या ये क़यादत जो है यहाँ पे मौजूद, ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको इलेक्ट या सिलेक्ट ही किया गया इस इलाके की वेलफेयर के लिए, अगर इस इलाके की वेलफेयर इसके बावजूद नहीं हो रही तो उनकी कारकर्दगी कहाँ है। आइए किसी और से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे आज हम यूहानाबाद के मसाइल इशूज़ पर यूहानाबाद के लोगों से बात कर रहे हैं, इसी तरह जब हम यहाँ पे आए हमें एक और इशू हमारे सामने आया जो हम चाहते हैं कि आवाम को भी पता लगना चाहिए कि यहाँ पर एक ऐसा गैंग है जो कि लोगों को कुछ नशीला पिला के बेहोश करके उनका जो भी सोने का उन्होंने जेवर वगैरह पहना होता है वो उतार लेता है और इस तरह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह अभी हमारे साथ एक विक्टिम मौजूद है जो इस चीज़ के शिकार हुए, आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, वो विक्रम हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे सारा हालात पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन पर अटैक किया, क्या हुआ उस टाइम, आइए जानते हैं। हाँ जी, मैं सब्जी लेने गई हूँ तो उन्होंने मुझे ना देखा है, अभी कन्नों में बालियाँ हैं, ये अंगूठी है, पैसे हैं, तो मेरे पास फ़ौरन ही आ गए दुकान पर। मुझे कहते हैं हमने ना राशन देना है तो पैसे देने, जो जतीम है, मैं मेरी बहू है तो वो जतीम है बच्चे ने, कहते जो उनकी उम्र थोड़ी है तो तू चल तो हम दिखा देंगे घर, तो फिर उसको ले जाना। मुझे उन्होंने मोटरसाइकिल बिठा लिया तो वो ले गए उस गलियों में, तो उधर मेरे साथ बातें की थी, तेरे कितने बेटे हैं ये वो है, तो मुझे शक हो गया, मैंने उधर से छलांग लगा दी मोटरसाइकिल से, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप ड्रेस दे देते मैं अपने बेटे को लेके आऊँगी, तो मैं घर आ गई। और आप घर आ गई तो जब आपने छलांग लगा दी तो क्या वो भाग गए या उन्होंने कोई कुछ नहीं सी, वो ना मैं उतर बैठी, मैं कहते अब बैठ जाए हम अभी तुझे छोड़ जाएंगे, मैंने कहा मैंने नहीं जाना मैं खुद आ जाऊँगी, हम ड्रेस दे दें। तो अगर आपको शक हो गया था तो आपने उन्हें पकड़वाने के लिए वहाँ शोर क्यों नहीं डाला? बस शोर नहीं डाला, मुझे ऐसे ही डर हो गया तो मैं आ गई। चलें, कोई बात नहीं, मैंने डाला ऐसे में। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ये तो वो खातून थी जो उनके हाथों से बच गई, ये वो विक्टिम थी, लेकिन अभी हम किसी और से मिलेंगे जो बच नहीं पाई, आइए अब हम उनसे भी मिलते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम उस मुतासरा खातून से बात करते हैं, अब इसी तरह से हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं जो उन वारदातियों की मुतासरा हुई, हम उनसे बात करते हैं कि ये वाकया उनके साथ कब, कहाँ और कैसे हुआ। आइए। मैं करो बाहर गई हूँ। नाम क्या है आपका? मरियम। आप ये बताएं कि वाकई आपको किस तरह से कब, कहां और कैसे पेश आया? 4:30 का टाइम सी ते पाजुरा दी गली में गई तो भैन स्कूटर तो उतरी गए, एक नाल बच्चा सी साडे बच्चिया वगैरह, तू मेरी भैन है, तू मेरी भैन है, मैं मेरी कितों सहेली बन गई, दवा च ही जाने 10:30 वो भैन आ नहीं बड़ी मोटी गए शक्ल भाभी वो पता नहीं होर तरह की, तो तू जूस पी तेरा मूँह सुखा, मैंने मैं नहीं कभी पीता घर भी बोतल, मैनू कभी शकीन नहीं मैं एडी, फिर 2 बजे थड़िया तो बैठे हाँ भाजू जारी जिते पान तुम खलोते हो उत्थे बैठे अं, फिर नहीं मैनू समझ लगी। फिर क्या हुआ? फिर पता ही नहीं भाई कि जब आपको होश आया? होश मैनू उन्हें हस्पताल बच्चों ने लिया है। अच्छा अच्छा, वो आपको कहाँ ले गए, क्या हुआ, आपको कुछ याद नहीं है? गलों का पता है, उन्होंने का मैं पता है, अगों का नहीं मैं वाकया का पता, किधर होना खड़िया कितने होना सुटिया है। तो आपने क्या कोई जेवर वगैरह पहना हुआ था? हाँ वालियाँ बच्ची ने लैके दतिया हूँ, छला से कोई खर्च खुर्च से मेरा महीना ये आ बच्चे देंदे दूंदे ने, तो मैं रखा तो चेता भुलेंगे मेरी चोट लगी लत न, तो मैं कोल ही रख दी होंगी स। तो जब आपको होश आया तो क्या वो सब चीज़ें आपके पास थी? तो मतलब वो सब कुछ आपका उतार के ज्वेलरी वगैरह उतार के ले गए जो आपने पहनी हुई थी? ठीक है,
तो क्या आपने इसके बाद कोई एक्शन लिया? जी नाज़रीन, ये यूहानाबाद के एक बड़े मसाइल में से मेरा ख्याल है एक मसला है, चूँकि यहाँ पर लोग सिक्योर नहीं हैं और यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो सियासतदान हैं या जिन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सिक्योरिटी को, हर चीज़ को, यूहानाबाद के मसले मसाइल को देखें, मेरी ख़ास उनसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ पर ख़ास गौर किया जाए। जहाँ पर लोग सिक्योर नहीं हैं, आप अपने घर से बाहर निकलें और आप अपने आप को सिक्योर अपने ही इलाके में फील ना करें, तो ये बात किसको इल्ज़ाम दे सकते हैं इस बारे में? जी नाज़रीन, इस वक्त हम यूहानाबाद कैफ ब्लॉक में मौजूद हैं। आपने इस वक्त यहाँ की सड़कों की हालत देखी कि कितना बुरा हाल है, कि यहाँ से गाड़ी गुजारना तो पॉसिबल नहीं है, गुजरना भी बहुत ही मुश्किल है। आइए, यहाँ पे एक दुकान पे मौजूद है हम, जो इसी जगह पे दुकान है, हम यहाँ इसे इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितने टाइम से है, कैसे है, क्या इस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। नाम? साहिल। साहिल, ये कितने टाइम से सड़कों का ये हाल है? ये 2 माह हो गए हैं। तो 2 माह में किसी ने आके देखा नहीं, कोई सर्वे नहीं किया, इसको कोई ठीक करने की कोशिश नहीं की गई? कर रहे हैं, ये पहले इन्होंने ये किया है, सीवरेज डाला, फिर ये गैस पाइप लाना, अभी फिर ये कर रहे हैं इसको, अब कह रहे हैं कि सड़क डालनी है थोड़ी सी देर तक। लेकिन यहाँ पे कोई नज़र तो नहीं आ रहा काम करते हुए, यहाँ पे ऐसा कोई काम होते दिख तो नहीं रहा? वो ये वाली गली में कर रहे हैं, आगे वाली कर रहे हैं अभी लोग, ये पड़ा सामान उनका। लेकिन क्या इतने से काम में, इस काम में क्या 2 महीने लगते हैं? नहीं, टाइम तो इन्होंने ज़्यादा लगाया, ये तो बात है। आप मानते हैं कि इसको इग्नोर किया जा रहा है? यही बात है, इग्नोर ही किया जा रहा है, इतने टाइम तो नहीं लगता। तो क्या ये आपकी दुकान के बाहर, इससे आपको नहीं लगता कि आपकी दुकान भी मुतासिर हो रही है, आपका कारोबार मुतासिर हो रहा है इस चीज़ से? जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे आने में इतना मसला, और आप देखें इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। जी तो इस बारे में आप इस वक्त कैमरा में हैं, इस बारे में आप कहना नहीं चाहेंगे जो ये काम कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, इसके बारे में कि ये करें जल्दी, इस बारे में आप उनसे कुछ नहीं कहना चाहेंगे? उन्हें कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, वैसे टाइम उन्होंने ज़्यादा लगाया, ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने टाइम भी ज़्यादा लगाया और मेरे ख्याल से इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसको लेकर सुस्ती बरती जा रही है, और जिसकी वजह से ज़्यादा तो आपका कारोबार मुतासर हो रहा है। इसके बावजूद आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। इसके बावजूद आपको बहुत खुशी हो रही है, ऐसे ही होना चाहिए ना? जी नाज़रीन, यूहानाबाद एफ ब्लॉक के एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाले साहब, आपका नाम? इजाज़ मेरा नाम है। आपका घर क्या यहीं पर है? जी जी, हाँ जी, ये मेरा घर है। ये आपका घर है? अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त इस एफ ब्लॉक के सारे रोड्स तोड़े हुए हैं और बुरी तरह से तोड़े हुए हैं, कि यहाँ से गाड़ी गुजरना तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन गुजरना भी बहुत मुश्किल है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमने पीछे बात किया तो सुना ये 2 महीने से टूटे हुए रोड्स। ये 2 महीने से नहीं, ये कम से कम क्रिसमस से पहले के ये टूटे हुए हैं, तो उम्मीद तो थी कि ये मतलब पहले हो जाएंगे, लेकिन ये है कि बाद में मतलब जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने वो उसका सुई गैस का मंजूर करवाया था, तो इसकी वजह से ये रोड थोड़ा सा ब्लॉक किया है। अब चूँकि ये मतलब लाइन डल गई है, तो ये चंद दिनों में बता तो रहे हैं कि तकरीबन जो है ना कोई 10-12 दिन में ये मसल मुकम्मल हो जाएगा, और पीछे से इसको मसल करते आ रहे हैं, लेकिन ये मसाइल तो बहुत ही होना बाद में, जैसे मतलब हमारे नौजवान लड़के हैं उनकी मसल एजुकेशन का मसला है, कॉलेजों में जा नहीं सकते क्योंकि इतनी फीस होती है। अगर तो मसल ये है कि अगर कोई ऐसा सरबराह हो जो हमारी मसल हेल्प करे कि यहाँ नौजवान लड़के जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो भी कॉलेजों में जाकर पढ़ें, तो हमारी कौम आगे जा सकती है। मसाइल तो बहुत सारे हैं, एक तो ये है कि हमारे यूहानाबाद में ना तो मसल गवर्नमेंट का कोई बेहतरीन कुछ स्कूल है, ना मसल वो कोई मेडिकल के लिए कोई मसल डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है। अगर कि यहाँ किसी को मसल प्रॉब्लम बन जाती है, मसल किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर उसके लिए तो यही है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो भी अनकम्प्लीट है क्योंकि उनकी डिग्रियाँ भी नहीं होती, तो बजाय वो ज़िंदगी देने के मौत के सौदागर बन जाते हैं। तो क्या उन्हें कभी किसी ने चेक नहीं किया यहाँ पे कोई? अब तो ये गवर्नमेंट का काम है ना कि वो आके चेक करे, इनकी डिग्रियाँ चेक करे कि इनके मसल क्या ये मसल हैं, ये किस। लेकिन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, माइनॉरिटी के लीडर्स मौजूद हैं यहाँ पे, MP, MNS, चेयरमैन, काउंसलर्स मौजूद हैं, तो आपको नहीं पता गवर्नमेंट से पहले उनका काम है कि ये आवाज़ गवर्नमेंट तक लेके जाए, तो उनकी कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? कारकर्दगी देखो जी, वो तो मिली जुली है। बात यह है कि यहाँ तो मतलब है, सारे काउंसलर्स भी हैं, अपने हैं सारे, लेकिन यह है कि इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इनको चेक करें, या गवर्नमेंट कोई अफसर आए इनको चेक करें भी आपकी डिग्री कौन सी है। तो फिर यही है कि जब किसी की तबीयत ख़राब होती है फिर इसको कहते हैं ले जाओ भैया अस्पताल, हैं उतनी देर में रास्ते में बेचारे की वो ज़िंदगी एंड हो जाती है। लेकिन एक मसीही का एहसास मसीही कर सकता है, एज़ कम्पेयर टू आप किसी और को इल्ज़ाम दें, आप पहला इल्ज़ाम उन्हें देना। मैं मतलब इल्ज़ाम नहीं है किसी के ऊपर, मैं ये एक बात कर रहा हूँ कि ऐसी मतलब सहूलत ये हमारे लीडर ही पैदा कर सकते हैं, क्योंकि यही आगे लगते हैं, यही वोट लेते हैं, तो फिर इनका काम है कि ये अपने इलाके को, इनकी मेजरमेंट को ठीक करें।
बिल्कुल, आपकी आपकी सारी आवाज़ यहाँ के लीडर सब ने सुनी और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को सुनने के बाद वो इस पर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे और इसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में ज़रूर सोचा जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ एफ ब्लॉक के एक और रिहायशी मौजूद है, आइए इनसे भी पूछते हैं कि इन्हें यहाँ यूहानाबाद में एफ ब्लॉक में क्या किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सलीम महबूब है जी। आपको यूहानाबाद में ये एफ ब्लॉक पे, जैसे आप देख रहे हैं सारे रोड्स टूटे हुए हैं और बुरी तरह से टूटे हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये तो अब बहुत अच्छी हालत हो गई है, देखने में आ रही है। तो पहले इतना पानी था तो गटर खुले हुए थे, तो बहुत ही बुरे हालात थे, ना कोई सड़क थी ना कोई कुछ भी नहीं था। तो अब बड़े खुश हैं हम कि हुकूमत ने बहुत से काम करवाए, हमें सुई गैस दिया और हमारी सड़कें सब नई हो गई है। तो हमें तो ऐसे थे कि जैसे हम कोई पानी के जानवर हैं, डड्डू मच्छियाँ, ऐसे हम इधर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी बहुत सी सहूलतें दी, तो हम बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुहैब रहमत। हमने यहाँ लोगों से बातचीत की और लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे मसले बताए। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे पूरा इलाका टूटा हुआ है और बुरी तरह से टूटा हुआ है, और इसके बारे में बताइए। और लोगों को यहाँ पे बड़े इश्यूज हैं, यहाँ पे शराब और बहुत सारे कहले के करप्ट काम बहुत आम है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे तरक्याती कामों के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि जब इलेक्शन 2013 में थे तो इस वक्त इस इलाके में इतने बुरे हालात थे कि मैं आपको क्या बयान करूं कि यहाँ पे तमाम जो गलियाँ ना वो उनमें दो दो फीट तक पानी जमा हुआ करता था। और पोजीशन ये थी कि कोई लोग जो बाहर से आया करते थे तो वो हम लोगों को कुछ कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया करते थे। आप ये समझ लें कि हमारे ना तो बच्चियों के रिश्ते लेने के लिए कोई तैयार हुआ करता था, ना कोई अपनी बच्चियों को बाहर से आकर हमें रिश्ते देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसमें ये हुआ करता था कि वो लोग कहते थे कि यार अगर हम अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ पे करेंगे तो जब कल को हम अपने अजीज़ों को यहाँ पर ले कर आएंगे तो वो क्या जाके कहेंगे कि ये किस एरिए में इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया है। तो अगर वो कोई बेटी का रिश्ता देखने के लिए इस ब्लॉक में आया करते थे तो वो समझते थे कि हम क्या जाके अपने लोगों को बताएंगे और बारात लेके जब आएंगे तो ये कहाँ पे हमें बिठाएंगे। इवन ये पोजीशन थी इस सारे ब्लॉक की, ये पीछे भी आप अभी गलियाँ आप जाके देखेंगे, हम आपके साथ विजिट करेंगे, तो इन गलियों में ऐसी पोजीशन थी कि आप बिलीव करें कि जनरल हॉस्पिटल में से अगर हम लोग एमरजेंसी में से निकलते हैं ना, या किसी भी अपना पब्लिक प्लेस से, हमें रिक्शे के लिए इतनी मुश्किल हुआ करती थी कि ये जो एरिया ये इतना बदनाम था कि तमाम रिक्शे वाले इवन टैक्सीज वाले किसी को भी कहते ना कि हमने एफ ब्लॉक में जाना है, तो आप बिलीव करें कि वो वहीं से ही ना कर दिया करते थे कि नहीं जी हमने वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है जाने का, हम आपको कैसे वहाँ पे पहुँचाएँगे। तो उसके बाद ऐसा हुआ करता था अगर किसी को मजबूरी करके हम लोग ले भी आते तो दूना तीना किराया दे के तो हम यहाँ तक पहुँचा करते थे। तो अभी ये पोजिशन है कि अभी पूरे इलाके में नया सीवरेज डाल दिया गया है, पीसीसी का काम करवा दिया गया है, गैस के काम चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये जो एरिया है ना, हम लोगों ने हमारी जो लीडर है लीडरशिप है हमने उनके तावन से मियां शबाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब और राणा मुबशर इकबाल एमएनए जो हमारे एरिया के हैं, उसके बाद मिसेस शाजिया तारक जवेद तारक, मिसेस शाजिया तारक जो कि हमारे एरिया की नाटी की एमपी हैं, तो उनका काफ़ी तामर है हमारे साथ, उनके साथ इसी तरह से इश्तियाक जेम्स गिल साहब जो चेयरमैन है हमारी यूसी 245 के, उनकी बड़ी काफ़िशें हैं, उनकी बड़ी दिन रात की कोशिशों की वजह से हम लोग इस वक्त इस पोजिशन पर एफ ब्लॉक के लोगों को ले कर आ गए हैं कि यहाँ पर अब अगर बाहर बारिश होती है तो बाहर जो पानी खड़े रहते हैं बाहर से आने के लिए परेशानी होती है, लेकिन जब हम लोग एफ ब्लॉक में आ जाते हैं, एफ ब्लॉक के हदूद में आ जाते हैं, तो हम इसको गुलबर्ग साइड पे या किसी पोश एरियों के साथ इसको जो है कंपैरिजन करते हैं, इस एरिया में पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होता। अभी ये जो गलियाँ आप देख रहे हैं मेरे आप सामने, तो इसका ये मतलब है कि इसमें अभी गैस का काम होने हो रहा है। लेकिन हमने अभी बाहर लोगों से बात की तो हमें पता चला कि पिछले 5-6 महीनों से ये सब कुछ टूटा फूटा हुआ है और इसको किसी हद तक इग्नोर भी किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, इग्नोर नहीं किया जा रहा। ये जो भी गैस का काम चल रहा है ना, जैसे हम लोग नया सीवरेज डाला था तो चूंकि यहाँ पे वो बड़ी क्रेनें नहीं लगती हैं, कोई रास्ता नहीं है क्रेन्स का यहाँ पे आने के लिए, तो फिर जो काम होता है वो सारा हैंडवर्क से करना पड़ता है। क्रेनें अगर आएँ तो फिर तो काम जल्दी हो जाता है, तो सीवरेज पहले डाला है,
सीवरेज के बाद पीसीसी का काम चल रहा था, पत्थर जब डाल दिया तो एक आधे दिन में हम लोग ना इसको पीसीसी करने वाले थे, लेकिन वो आई टीम आई, स्वीगैस की टीम ने आके कहा जी हम आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर आपका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इस पर अभी पीसीसी ना करवाएं, क्योंकि वो पीसीसी आपको हमें फिर उसको जो है उखाड़ना पड़ेगा और वो आपका जो जितना भी है ना वो नुकसान होगा। तो हम लोगों ने फिर इस काम को स्टॉप करके, पीसीसी को स्टॉप करके फिर उनका वेट किया, उसको 15-20 दिन लग गए। उसके बाद अब चूंकि जाहिर है यहाँ पे भी लेबर लगी है तो लेबर को भी 15-20 दिन लग गए हैं, चूँकि ये एरिया जो है ब्लॉक है ये पूरे यूहानाबाद में सबसे बड़ा ब्लॉक है और इसके जो अवाम है, इसमें जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो भी पूरे यूहानाबाद के सारे ब्लॉकों में से ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जब सारा काम ठेकेदार अपना कम्प्लीट कर लेते हैं, खुदाइयाँ वगैरह पूरी कर लेते हैं, तो फिर दोबारा से इसको जो है ना वो ठीक करना पड़ता है। बिल्कुल सही, सॉरी आपकी बात काट रही, पर आपकी ये बातें, आपकी सवाल तो बिल्कुल ठीक है, आपकी इस खिदमत के लिए हम आपका अप्रिशिएट भी करते हैं जो आपने स्टेप्स लिए, लेकिन आवाम तो ये जानना चाहती है ना कि ये कब तक काम खत्म हो जाएगा और कब तक ये मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और इसको एक नॉर्मल इलाके की तरह ही किया जाएगा, क्योंकि हमें ये पता चला है कि यहाँ पर शराब बहुत आम है, यहाँ पे और करप्ट काम बहुत आम है, उनके बारे में, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें कि उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं, उनको लेके इम्प्रूवमेंट कैसे ला रहे हैं आप यहाँ पे? पहले तो मैं आपको तरक्याती कामों के बारे में बता दूँ कि अभी पाइप डाल गए हैं गैस के, तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, पहले भी बता चुका हूँ कि पीसीसी की जो टीम है वो आ चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि एक दो दिन में जो है इसका पीसीसी का काम मुकम्मल हो जाएगा, जितना ये हमने किया है पीसीसी का काम तैयार है, दो तीन दिन में ये क्लियर हो जाएगा। तो बाकी बात रहेगी नशेबाजी की, शराबबाजी की, तो वो पहले बहुत आम थी, लेकिन जब से मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी सारी क़यादत का, मेरी पूरी क़यादत ने, राणा मुबशर साहब ने, चेयरमैन इश्तियाक गिल साहब ने, तारक जावेद तारक साहब ने, उन्होंने इस एरिए पर बहुत ख़ास तवज्जो दी है, उन्होंने अपना शफ़क़त का हाथ रखा है, तो उन्होंने इस एरिए में से मेरा ख्याल है कि 90% जो है वो नशेबाजी का काम जो है वो ख़त्म करवा दिया गया है। यहाँ पे इशू था, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ड्रग्स का काम बड़ा था, यहाँ पे एक घराना था जो यहाँ पे लाइनें लगवा के ड्रग्स बेचा करता था, लेकिन मैं अपनी क़्यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें सलूट पेश करता हूँ। इसमें जो हमारे आमिर जावेद कुकू भाई हैं, कौंसलर हैं हमारे, उनकी बड़ी काविश रही है, उन्होंने इनको डंडे मार मार के यहाँ से भगाया है। फिर मैं अपनी पुलिस को सलाम पेश करता हूं, अपने एसपी साहब को, एरिए के एसएचओ साहब को, कि उन्होंने भी हमारे साथ बिल्कुल तावन करके तो इस एरिए में से वो ड्रग्स का जो काम है वो बिल्कुल 0% करवा दिया, अब यहां पे किसी किस्म का ड्रग्स का कोई काम नहीं है, तो लोग जो हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पे लोगों से बात करते हुए हमें ये भी पता चला है कि एक पुलिस यहाँ पर आके हफ्ता भी लेती है, और ये जो बाकी तरक्याती काम है ये कितने टाइम तक सारा कवर हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब यहाँ पे काम हुआ करता था ना, ड्रग्स का काम हुआ करता था, उस वक्त हम लोग खुद भी देखते रहे हैं कि पुलिस यहाँ से आके मंथलियाँ लेती रही है, लेकिन जब से ये काम ख़त्म हो गया तो मैंने नहीं देखा कि कोई भी पुलिस वाला आके, जाहिर है जब काम दो नंबर बंद हो जाएगा तो फिर कोई पुलिस वाला नहीं आता। हाँ, वो पहले की साहब का बात हम कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इस वक्त ऐसा नहीं है। तो बाकी ये जो तरक्याती काम चल रहे हैं, ये दो तीन गलियाँ जो हैं ये इनकी पीसीसी तो दो तीन दिन में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट वीक में ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। तो बाकी जो गलियों में अभी गैस डली है या काम हो रहा है वो तो जाहिर है आपको अपने टाइम पीरियड में एक डेढ़ माह के अंदर अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा सारा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अकलेती कौंसल जुहेब रहमत मसीह, आपने उनकी बातचीत सुनी और उनका कहना है कि वो इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत से यूहानाबाद में तरक्याती काम को करवा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और सारे जो शराब के मसले मसाइल थे सब ख़त्म करवा रहे हैं और बहुत हद तक ख़त्म करवा चुके हैं। और अब हम इन्हीं बातों के बारे में कुछ और लोगों से, बाहर यहाँ के रिहायशियों से भी जानेंगे कि क्या जो आया उन्होंने कहा लोग उनके साथ एग्री करते हैं। जी नाज़रीन, जब हम ये इकलौती काउंसलर के घर से निकले तो थोड़ा सा आगे आकर ये हमें गंदगी का ढेर देखने को मिला, और जैसा कि उन्होंने बोला कि वो बहुत तरक्याती काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो क़्यादत है वो उनके शुक्रगुजार है। अब हमें शुक्रगुजारी वाली यहाँ कोई चीज़ देखने को तो मिली नहीं, लेकिन हाँ ये सब कुछ देखने को ज़रूर मिल गया। आइए उनसे पूछते हैं क्या उनके तरक्याती कामों में ये गंदगी साफ़ करना शामिल नहीं था। जी नाज़रीन, वो इस वक्त यहीं पर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि इस गंदगी का क्या हल है उनके पास। जी, जब हम आपके घर से थोड़ा सा ही आगे आए तो हमें देखा कि यहाँ पे गंदगी का इतना ढेर है, रोड्स तो बुरी तरह से टूटे हैं ही हैं लेकिन गंदगी के भी ढेर मौजूद है यहाँ पर। आपने बताया कि यहाँ पे इतना तरक्याती काम, और आपको अपने घर के सामने गंदगी ही नज़र नहीं आई?
अच्छा ऐसे कि रोड जो टूटे हैं उसके बारे में आपको बता दूं, ये तो ज़ेरे तमीर है अभी सारा काम। तो जहाँ तक इसकी बात है तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई कंटेनर्स वगैरह नहीं है हमारे पास, हमने एप्लीकेशन दी हुई है, कंटेनर यूँ ही आ जाएंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे। इस एफ़ ब्लॉक में पूरे एरिया में एक भी कंटेनर नहीं है, तो इसका हमने जेडो साहब को बाकायदा कल की काफ़ी दिन पहले की एप्लीकेशन दी हुई है, तो वो भी हमें मयसर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये है कि जैसे ये हो जाता है तो एक मशीनरी आती है तो वो उठा के इनको ले जाती है। लेकिन मैं और मेरी आवाम ऑडियंस से जानना चाहेंगी कि आप ये बताइए, इस बात की श्योरिटी दीजिए कि ये कब तक साफ़ होगा और ये साफ़ होगा यहाँ से। ये आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कल या परसों आएँ तो आपको ये जगह बिल्कुल साफ़ मिलेगी। जी नाजरीन, इनका कहना है कि कल या परसों तक ये इलाका बिल्कुल साफ़ होगा, यहाँ से गंदगी बिल्कुल साफ़ होगी। हम यकीन करते हैं कि अपनी बात पे रहेंगे और ये काम करेंगे। आइए हम यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ ही एफ़ ब्लॉक के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि जो हमारे इकलौती कौंसिल ने हमें काउंसलर ने हमें बताया, क्या वो सच है, वो इससे कितना एग्री करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असलम मसीह। आप बताएं कि ये जो इस वक्त इलाके का हम हाल देख रहे हैं और हमने देखा पीछे कचरे का इतना ढेर है, और हमने जब यहाँ के काउंसलर से बात की, इकलौती काउंसलर से बात की, उनका कहना था कि वो इसको इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसमें जल्द इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तो आप उनकी बात से कितना एग्री करते हैं? हाँ जी, वो कार है, बहुत मेहनत कार है सर। हाँ जी, बहुत मेहनत कार है, आगे तो काफ़ी बेहतर हो गया है। क्या बेहतरी आई? मतलब जब हम इस इलाके में आए तो हमें कोई खास बेहतरी देखने को मिली नहीं, तो आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आप बताइए यहाँ पे आपने क्या क्या बेहतरी है? थोड़ी देर हुई है बाजी जी, काम शुरू हुआ है, सही हो जाएगा काम। लेकिन ये तो अब हमने तो सुना है बैक पे, हमें तो बैक पे और लोगों से भी सुनने को मिला, ये 5-6 महीने से ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। नहीं नहीं सर, थोड़ी देर हुई है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, एफ ब्लॉक के एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि किस हद तक इस इलाके में इम्प्रूवमेंट लाई गई है, लाई जा रही है, और अभी जो हालात हमें देखे हैं उस बारे में इनके क्या ख्याल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? इकबाल। आप यहाँ के एफ ब्लॉक के रिहायशी? जी। तो एफ ब्लॉक में जो हमें ये रोड्स की हालतें देखने को मिल रही हैं, पीछे कचरों के ढेर लगे हुए हैं, इस बारे में आप क्या ख्याल करें, क्या बोलेंगे कि लीडर्स यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है? अच्छे हैं जी हमारे, ठीक है, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा काम हो गया है, ठीक है। सीवरेज भी पड़ गया, गैस भी पड़ गई है, उसके बाद ट्यूबवेल भी लग गए हैं, पानी भी मिल गया है, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा क्या बताएं। पहले बहुत हालात ख़राब थे, पानी की प्रॉब्लम थी, सीवरेज की, अब गैस भी आ गया, इससे ज़्यादा क्या हो। ये जो बहुत काम करवाया इन्होंने, ये जो काउंसलर हैं यहाँ के, ये कितने टाइम से? ये तो बहुत देर के हैं, पहले भी काउंसलर थे, अब भी काउंसलर हैं। आपके हैं, जॉब के हैं? हाँ, ये तो 4 साल हो गए। तो 4 साल में क्या ये हालात अब नज़र आए? मतलब ये 5-6 महीने से तो रोड्स टूटे हुए हैं। नहीं नहीं, पहले भी तो काम हुआ है ना, सड़क बनी है, उसके बाद गलियाँ बनी हैं, ये गलियाँ नहीं बनी, ये भी उन्होंने बनवाई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एफ ब्लॉक के रोड्स पर हैं और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे जान रहे हैं कि आखिर इस ब्लॉक में इनको क्या मसाइल, किन मुश्किलात का सामना है, और यहाँ के लीडर से वो कितने मुतमईन हैं, उनकी कारकर्दगी से वो किस हद तक मुतमईन है। यहाँ के हम जनरल पब्लिक से बात करते हैं, आइए नाज़रीन यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, एफ ब्लॉक में ही थोड़ा सा और आगे आने के बाद यहाँ पर हमें और गंदगी का इतना ढेर नज़र आया, और यहाँ पर गंदगी के ढेर के सामने ही एक दुकान है, आइए हम इन दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है जी। आपकी दुकान के सामने गंदगी का इतना ढेर है, तो क्या ये कभी कोई साफ़ करने नहीं आया? मैडम ये तकरीबन को मुआयना करने आ जाते हैं तकरीबन 6 महीने बाद 5 महीने बाद, लेकिन इस सदेबाब नहीं हो रहा, इसी तरह कूड़ा क्रिकेट ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको पीछे धकेल जाते हैं और थोड़े दिनों बाद फिर वो आगे उसी तरह आ जाता है, जिसलिए यार ये कम से कम दुकानदारों के लिए परेशानी, ये मोहल्लेदारों के लिए भी परेशानी का बास बनती है। ये कितने टाइम से है? ये तकरीबन मैं तकरीबन 4-5 मंथ से, तकरीबन 6-7 साल से इसी तरह प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये इसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा मसला। मैडम आप क्या ये एफ ब्लॉक के रिहायशी हैं? नहीं मैं एफ ब्लॉक का रिहायशी नहीं, ये अपनी मेरी दुकान है, मैं दुकानदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखे ना मोहल्लेदार भी है बहुत ज़्यादा, छोटे तबके के भी हैं, बड़े तबके के तो नहीं है, लेकिन वो उनको परेशानी का ना को उनको कोई बताता है कि किस तरह ये कंप्लेन करनी है, ना उनको पता है इस चीज़ का। मैडम तो यहाँ के जो लीडर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, लेकिन लीडर्स के बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी लीडर्स हो, नून लीग के हों या काफ लीग के हों या जो भी, लेकिन कम से कम सफाई को मद्देनजर रखना चाहिए,
इतनी ये कंप्लेन मैं करना चाहता हूँ कि इसको कम से कम कूड़ा क्रिकेट को यहाँ से ख़त्म, ये देखें ये बहुत सी बीमारियों का बायस भी बनता है, जैसे कि मच्छर, अब ये देखें मच्छरों के दिन है जिसमें ना तरह तरह की परेशानी का बायस बन सकती है, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं वो गंदगी, ये इधर ही खेलना उन्होंने घर में तो नहीं खेलना ना मैडम, तो इसलिए उनके लिए परेशानी का बायस। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये हमने एफ ब्लॉक के ही एक दुकानदार से बात की और उसका कहना था कि यहाँ पर बहुत गंद रहता है, अगर वो आते भी हैं यहाँ पर सफाई करने तो इसी कचरे को पीछे करके चले जाते हैं और इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर हम लीडर से बात करते हैं तो उनका कहना है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम ये कर देंगे हम वो को, लेकिन जब हमने सर्वे किया इस पूरे इलाके का तो वहाँ पे हमें वो सब कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ हम ये बात मान सकते हैं कि कुछ टाइम से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन अगर वो इतने अरसा से इस जगह के लीडर हैं, इतने अरसा से इस जगह को पे उनकी हुक्मरानी है, तो इतने अरसा में ये 5-6 महीने में या अभी कह दें कि 2 दिन में नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट ये कर देंगे, ये सब क्या है? आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं इस बारे में। जी नाज़रीन, एफ ब्लॉक में ही हमारे साथ एक खातून मौजूद है जिनका घर ये कचरे के बिल्कुल सामने उनका घर है और वो इस टाइम अपने घर के बाहर ही मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका घर ये कचरे के बिल्कुल सामने है और ये कचरे का इतना ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे इतने मच्छर इतनी बदबू आ रही है, तो क्या इसे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता? बहुत ज्यादा परेशानी का मसला है हमारे लिए। कोई कम्प्लेन वगैरह नहीं की आपने? बहुत दफा की है, यहाँ से ना कचरा उठाते हैं, जब कचरा भी उठाने लगते हैं ना इसमें भी बेइंसाफी है, कहेंगे वहाँ पे हमारे जानवर बंधे हुए हैं उधर से उठा ले इधर से रहने दे। तो हमने अभी जो हमारे यहाँ के अकलेती काउंसलर थे उनसे बात की और उनका कहना था कि वो इस पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, यूहानाबाद का यहाँ का बहुत बुरा हाल था, उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट करवाई है और कर रहे हैं। पता यूहानाबाद में इन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं, हमारे घर के आगे से गंद नहीं उठाया, हमें यूहानाबाद से कोई मतलब ही नहीं है, ना काउंसलर से कोई मतलब है, ये अपने घर से वारते मोहल्ला नहीं। तो ये जो पीछे आपके इलाके के पीछे पूरी सड़कें टूटी हुई है, तो ये कब से टूटी है और इस पे क्या काम कर रहे हैं? ये तो पहले बनी थी ना, ये लोगों ने जब घर बनाए ना थड़े वगैरह बनाए, ये इस तरह तोड़ फोड़ की है, ये बनी हुई थी। तो हमने सुना है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए पाइप्स डाल रहे हैं, गैस पाइप्स डाल रहे हैं, सीवरेज का काम हो रहा है, ये कितने टाइम से इन्होंने तोड़ा हुआ है और कितने टाइम से काम चल रहा है? ये ना 1-2 दिन से ये तोड़ा, ये गैस के पाइप बन रहे हैं, पहले सड़कें साफ थी, गली भी साफ थी, ये इन्होंने पाइप वगैरह डाले, इसलिए ये काउंसलर वगैरह कुछ नहीं करते, ये अपने घर संवारते, मैं तो ये कहती हूँ। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, जब वार्ड लेने आते हैं ना बड़े मसले बताते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अच्छे कपड़े पहनते अपना घर संवारते हैं। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इनका कहना था कि काउंसलर वगैरह यहाँ के लीडर्स कुछ भी नहीं करते इनके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे गंद मचा हुआ है, रोड्स टूटे हुए हैं और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा। आइए कुछ और रिहायशियों से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, एफ ब्लॉक में कुछ आगे आके पहले कचरे का ढेर देखें और यहाँ पे देखिए कि एक और कचरे का इतना बुरा ढेर लगा हुआ है, उसके अलावा इसके ऊपर आप इतनी गंदगी, मक्खियाँ देख सकते हैं, मच्छर देख सकते हैं, साथ ही स्कूल मौजूद है, बच्चों की गुजरगाह है यहाँ पर, और यहाँ पर सामने इर्द गिर्द घर, दुकानें, रिहायश और रिहायश के बीच में इतना गंद। हमारे साथ मौजूद है यहीं की एक रिहायशी, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपका नाम? हाजरा। आप इस गंदगी कचरे के बारे में क्या कहेंगे, क्या इसके बारे में कोई अच्छा? ये बच्चे बीमार होते पे ने, लंगन तो आवाज आ रहे पे हैं, को दुकाना ने को सारा कुछ, ये तो बच्चे डिगदे ने, लत्ता भाई भावे तड़ा लैन भावे कुछ, तो फायदा की है? इतने 4 महीना का जी इतने घर बनाने का फायदा सानू की है? लंगन तो आवाज आ रहे पाए असी तो। इतनी गंदगी जहाँ पे मेरे ख्याल से जानवर भी रहते हुए कराहत फील करेंगे, यहाँ इंसानों का हाल है। पुत्र होना सी था, उन्होंने आने हैं बेच तो मिन्नत भी करने हैं, बेचे आन के कोई काम करन, तो गरीबों का भी सवार, गरीब इतने लंघ दे टा दे भावे बच्चे डेग के लत्त डाल लैन। कभी कोई ये साफ करने आया नहीं? नहीं, इतने नहीं कोई भी आता साफ। ये कितने अरसे से गंदगी यहाँ पड़ी है? इतने तो 3-4 साल ही हो गए ने इतने गंदगी नू, कोई आंदा ही नहीं, कोई करता ही नहीं, कोई मल्ले वाला नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई आंदा ही नहीं इतने, तो गंदगी कितों साफ होनी है। चले बहुत शुक्रिया बड़ा जी नाज़रीन, आपने इनकी राय जानी इस बारे में कि यहाँ पे इतनी गंदगी का ढेर है, किसी का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ, कि किसी ने कभी इसे साफ करने का सोचा भी नहीं, 3-4 साल से यहाँ के ये हालात हैं। आए यहाँ पे रहने वाले इस गंदगी के ढेर के सामने घर है, हम उनसे पूछते हैं क्या वो यहाँ पर रहते हैं और उनको कैसे रह लेते हैं इस गंद के सामने। ये देखें, इस गंदगी के बिल्कुल सामने आपका घर है। सलाम अलैकुम। आपका नाम? आमिर गिल।
अमीर आपका घर ये गंदगी के ढेर के बिल्कुल सामने है और आप देख रहे हैं इस गंदगी के अलावा यहाँ पे इतना गोबर भी पड़ा हुआ है तो इस पे इतनी मक्खियाँ मच्छर है जिससे इतनी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो क्या आपने कभी इसके लिए कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन तो बहुत ज्यादा की है, ये साथ ही इधर चेयरमैन का घर है, ठीक है, काउंसलर जनरल वगैरह सभी इधर होते हैं। कौन से चेयरमैन? उनका नाम नहीं मुझे मालूम, ठीक है, मैं बेसिकली कहने का रहने वाला हूँ, तो इधर मैं मामू के घर आया था, तो ये करते हैं अक्सर कंप्लेन की है, वो नहीं आते हैं, कभी कभी उठाते हैं, ये भैंसों वाले ज़्यादा फेंकते हैं, बहुत दिक्कत है, बीमारियां हैं, ये गटर भी बंद रहते हैं, बहुत टेंशन है, क्या किया जाए, ऐसी गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी तो होगा, ऐसे कोई नहीं करेगा ऐसे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने इनकी बातें सुनी कि ये गवर्नमेंट का काम है, यहाँ पे इन्होंने चेयरमैन को जाके कई बार बोला भी लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे आप दिखाइए, यहाँ पे आप ये गोबर का ढेर देख सकते हैं कि कितना गंद मौजूद है कि यहाँ पर खड़े होते हुए मुझे कराहट फील हो रही है, तो यहाँ पर रहने वालों के क्या हाल होंगे। आइए, ये जो यहाँ पे साथ में एक रिहायशी जगह पे लोगों के रहने वाले इलाके में यहाँ पे भैंसे रखी हुई है जो कि इलीगल है, आइए उनसे भी बात करते हैं।